परवरदिगार आलम के वही के मुताबिक हर जगह अमल कर रहे हैं। अगर किसी सफर में फातिमा के दर पे आखिर में आ रहे हैं और वहाँ से सफर शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब वही इलाही के मुताबिक है और वापस सफर से आ रहे हैं और फातिमा को पहले सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब वही इलाही के मुताबिक है। इसीलिए तो बाते वफाते रसूल जहरा ने ये इरशाद फरमाया था, क्या तुम उस जगह को जला दोगे जहाँ पर रसूल आकर सलाम करते थे? जवाब जालिमीन ने क्या दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आए, बस अबल हसन को बाहर निकाल दो। अगर अबल हसन के लिए रसूल ने इरशाद फरमा दिया कि अली जिक्रो अली इन इबादा, तुम मानना पड़ेगा वजो अली इब्ने अबी तालिब इबादा, तो मानना पड़ेगा। अगर मैदान कुम में वही इलाही के मुताबिक रसूल ने अली को बुलंद करके इरशाद फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, तो हर मुसलमान को मानना पड़ेगा कि ये वही इलाही के मुताबिक है, अगर नहीं माना तो काफिर है। एक सलवात भेज वो अमल वही इलाही के मुताबिक रहा। अगर अपनी जबान हुसैन को चिसाया तो वही इलाही के मुताबिक। रवायत में यह है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं न मादरे गिरामी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दूध पिया न किसी दाहिया का पिया। एक मरतबा फातिमा ज़हरा परेशान है कि मेरा लाल दूध नहीं पीता, वही नाज़िल हुई। रसूल फातिमा के घर में आए, अपनी आगोश में लिया, एक मरतबा दहने मुबारक से जबान निकाली, हुसैन के दहन में दी। रवायत ये कहती कि हुसैन ने जहन रसूल से जबान को इतना चूसा कि शीर मादर की जरूरत न पड़ी और ये मामूल बन गया कि जब तक जबान रसूल को न चूसा तब तक हुसैन का पेट न भरा। अब दुनिया वाले ये इतराज करते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अरे अजीजो जो मादरे गिरामी की जबान मादरे गिरामी के शीर को छोड़कर वही इलाही का जो पाबंद है उसकी जबान को चूस कर बड़ा होगा तो वह हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का वादा ना करे तो और कौन करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि जब अगर हुसैन सजदे में रसूल की पुश्त के ऊपर बैठे और जिब्राइल आकर ये कह दे कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे तब तक रसूल सजदे को पेट तूल देते जाना, सहाबा सरवाती है कि 72 मरतबा रसूल ने सुभाना रब्बी अल आला व बिहम्दे दोहराते रहे, सहाबा बार बार उनके देखते रहे कब तक सजदे में रहेंगे। एक मरतबा जब ये देखा हुसैन पुश्त पे है और तस्किरा परवरदिगार हो रहा है, जब हुसैन अपनी मर्जी से उतरे हैं, उतरने के बाद एक मरतबा रसूल ने नमाज को मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद मिंबरे रसूल पर तशरीफ ले गए, आवाज दिया हादा हुसैन फारिफहु, ये हुसैन को पहचानो ये मेरा हुसैन है। अब दुनिया वालों ये याद रखो, अगर रसूल को माना तब भी मुसलमान और हुसैन को मानोगे तब भी मुसलमान, किसी एक का एक इनकार किया तो मुसलमान नहीं। क्यों? क्योंकि रसूल ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन की वजह से नमाज को तूल दिया सजदे को तूल दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि जो रसूल वही इलाही के मुताबिक बात करता है वो 70 मरतबा या 72 मरतबा सजदे में सुभान रब्बियल आला का तज़किरा करके दुनिया वालों को बता दिया कि हुसैन के बगैर दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। एक सलावत भेजो मोहम्मद।